हाय, इस वीडियो का टॉपिक है वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द मोशन। आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रही, एंड व्हेन आई से वेलोसिटी आई ऑब्वियसली मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे पहली बात आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन है। दूसरी बात, इससे एक ऑब्वियस कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो थ्रू आउट द ड्यूरेशन तो उसकी एवरेज वैल्यू भी उसी वैल्यू के इक्वल होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ऑल टाइम्स बिकॉज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम है इस पर्टिकुलर केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो कि आपका एवरेज वेलोसिटी होता था वही आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा। यहाँ पे आप नोटिस करिए कुछ कन्वेंशन, अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस नहीं लिख रहा, एवरेज नहीं लिख रहा, तो उसका मतलब होता है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कोई काइनेमेटिक्स का वेरिएबल का नाम लिखते हैं विदाउट एनी क्वालिफायर तो उसका मतलब होता है कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए साफ साफ लिखा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत जरूरी है देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है इसको याद रख लेते हैं कि ये हमेशा होता है, लेकिन आपको जैसे हमने पहले बताया था कि वेलोसिटी एक्चुअली हमेशा इसके इक्वल नहीं होता। इन जनरल हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में बोल सकते हैं वेलोसिटी सेम एज डिस्प्लेसमेंट होता है। इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है दैट डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस पर। मान लीजिए एक पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेट्स से एक्स एक्सिस, ए से बी तक वो जाता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से, b से c तक जाता है एक और कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से। यानी कि इसमें दो यूनिफॉर्म मोशन है, एक a से b यूनिफॉर्म मोशन है, b से c यूनिफॉर्म मोशन है। a से लेके c तक पूरा अगर आप देख रहे हैं तो वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। पूछा आपसे ये गया है कि अगर आपको गिवन है कि a से b तक का टाइम और b से c तक का टाइम दोनों सेम है तो इस पूरे मोशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर कुछ देर बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों ने सॉल्यूशन कर ही लिया होगा ज्यादातर लोगों ने, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई उसमें तो यहाँ पे आप मेरा हिंट देख सकते हैं। देखिए, ए से लेके सी तक जाने के लिए आपको गिवन है कि ए से बी और बी से सी का टाइम जो है सेम। तो पहली बात तो मान लेते हैं कि ये दोनों जो टाइम है ये लेट्स से एक वेरिएबल टी, हमने कुछ एक वेरिएबल मान लिया टी। अब एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ए से लेके सी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी ए बी एज वेल एज बी सी दोनों का सम। यहाँ पे नोटिस करिए जब मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है तो इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर साइंस नहीं लगा रहे। अब ए से लेके बी तक का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है तो मैं यूनिफॉर्म मोशन में यूज कर सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब ए बी की वैल्यू जाएगी बी वन इनटू टी। सिमिलरली बी से लेके सी तक भी एक यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां पे मैं बस लिख सकता हूं बी सी इक्वल टू बी टू इनटू टी। अगर आपके पास ए बी और बी सी आ गया दोनों वैल्यूज आप यहां रख दीजिए, टी कैंसिल कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बी वन प्लस बी टू बाय टू। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।